डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में जम्मू को एक बार फिर से नज़रअंदाज किया गया है, जम्मू के साथ फिर से भेदभाव हुआ है, असेंबली की सीटें कश्मीर से कम रखी गई हैं, पार्लियामेंट की सीटें भी जम्मू की कश्मीर से कम रखी गई हैं। बार बार ये आश्वासन दिया गया था कि जम्मू और कश्मीर में बराबरी होगी, लेकिन पार्लियामेंट में भी जम्मू को दो ही सीटें रही और कश्मीर में तीन हैं, और जम्मू को तकसीम करके इसका कुछ हिस्सा कश्मीर के साथ मिला के इस सरकार ने जम्मू के लोगों के जज्बात के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, एक विश्वासघात किया है। कॉमनल लाइंस पे जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश की गई है, और जो तीन सीटें जम्मू में भी होनी चाहिए थी कम से कम, उनसे जम्मू को वंचित रखा गया है। दूसरा, जो रिजर्व्ड सीट्स हैं 16 जम्मू कश्मीर में, जिसमें 9 एसटी की सीटें हैं, 7 एससी की सीटें हैं, 16 में से 13 रिजर्व्ड सीट्स जम्मू को दी गई हैं, और पूरे कश्मीर में 47 में से महज 3 ही रिजर्व्ड सीटें हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इलाका जात हैं जो पहले भी रिजर्व्ड रहे हैं और पिछले 27 वर्षों से रिजर्व्ड हैं। 1995 में पहले डिलिमिटेशन हुआ और ये 2022 तक 27 वर्षों से वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हिस्सा रहे हैं, उनको फिर से रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शामिल करवा दिया गया, और जो एक रोटेशन का मकसद होता है रिजर्व्ड सीट्स का, उसको भी वॉयलेट किया गया है। लोगों में ये धारणा है कि ये रिपोर्ट एसी के बंद कमरों में बैठकर बनाई गई है, ज़मीनी हकीकत के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है, और कॉमनल लाइंस पे लोगों को तकसीम करने की कोशिश इस डिलिमिटेशन के द्वारा की गई है। लोगों के अंदर एक भारी रोष है, एक गुस्सा है, और डिलिमिटेशन कमीशन को इन तमाम इरेगुलरिटीज को रेक्टिफाई करना होगा। जम्मू और कश्मीर में बराबर की जितना भी है, ये दोबारा से इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, जो इसमें अनियमितताएं हैं, जो इरेगुलरिटीज हैं, जो दोबारा से रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। डिलिमिटेशन का मकसद हल होना चाहिए। डिलिमिटेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ये डिलिमिटेशन करके लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा किया है। लोगों में ये धारणा है कि ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज को देखते हुए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया की